आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मुल्क एक सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की सम्त बढ़ रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे और फाजिल मादे से तवानाई तैयार करने के गुजरात के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। ब्राजील अरबों डॉलर की चीन की बेल्ट और रोड पहल में शामिल नहीं होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज शाम सालाना दिवाली मुहूर्त कारोबार करेंगे। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज मुंबई में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मुल्क एक सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की सम्त बढ़ रहा है। कल गुजरात में केवड़िया के मुकाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भेदभाव खत्म करने के खातिर सेकुलर सिविल कोड के लिए कोशिश बहुत अहमियत की हामिल है। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हम सब मुल्क की एक पहचान आधार की कामयाबी का मुशाहिदा कर रहे हैं और दुनिया भी इसका चर्चा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले मुल्क में अलग अलग तरह के टैक्स निज़ाम हुआ करते थे, लेकिन हमने एक मुल्क एक टैक्स निज़ाम GST बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने एक मुल्क एक पावर ग्रिड के साथ मुल्क के बिजली के शोबे को मुस्तहकम बनाया है और एक मुल्क एक राशन कार्ड के जरिए गरीब लोगों को दस्तियाब सहूलियात को मरबूत किया है। जनाब मोदी ने कहा कि हमने आयुष्मान भारत की शक्ल में मुल्क के लोगों को एक मुल्क एक सेहत बीमा की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के लिए हमारी इन कोशिशों के तहत अब हम एक मुल्क एक चुनाव की सम्त काम कर रहे हैं, जिससे भारत की जमहूरियत मजबूत हो सकेगी और भारत के वसाइल के ज्यादा से ज्यादा नतायज सामने आ सकेंगे। इसके साथ ही मुल्क एक तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए नई रफ्तार हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में आज एक ऐसी सरकार है जो सरहदों पर जमीन के एक इंच पर भी कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की पॉलिसियां मुसल्ला अफवाज के अज़्म के साथ मुताबकत रखती हैं। जनाब मोदी गुजरात के कच्छ में क्रीक इलाके के लक्की नाला के मुकाम पर BSF फौज बहरिया और फजाइया के एहलकारों के साथ दिवाली मनाते हुए इजहार ख्याल कर रहे थे। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के एक इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्ला अफवाज की कुव्वत इरादी और दिलेरी को सराहा। जनाब मोदी ने कहा कि सिपाहियों ने चैलेंज से भरपूर हर तरह के हालात में शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अहलकार मुल्क के दिफा की खातिर सबसे नामुआफिक मुकामात पर भी पुख्ता अज़्म के साथ खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार खुद किफालत की बुनियाद पर मुसल्ला अफवाज को जदीद तर्ज पर ढालने के लिए कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साल 2014 से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात सिपाहियों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में पिराना में कचरे फेंकने के मुकाम पर गुजरात के सबसे बड़े बिजली पैदा करने वाले प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट 375 करोड़ रुपए मालियत के साथ PPP मॉडल पर कायम किया गया है। इस प्लांट में 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से यौमिया 15 मेगावाट बिजली तैयार करने की सलाहियत है।
हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि ये कचरे से बिजली पैदा करने वाला अहमदाबाद का पहला प्लांट होगा। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी इस मौके पर मौजूद होंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के लिए 634 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। 20 नवंबर को दूसरे मरहले में 38 हलकों में पोलिंग होगी, जबकि पहले मरहले के तहत 13 नवंबर को 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद पहले मरहले में 685 उम्मीदवार इंतखामी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश रियासत आज अपना 69वां यौमे तासीस मना रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। मध्य प्रदेश रियासत 1 नवंबर 1956 को कायम की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 69वें यौम तासीस के मौके पर पूरी रियासत में सकाफती तकरीबात और मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है और ये सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय फौज की बैंड धुनों के साथ भोपाल में लाल परेड में 30 अक्टूबर को यौम तासीस की तकरीबात का आगाज हुआ। इसके साथ साथ एक नुमाइश भी लगाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के तरक्की के सफर की अक्कासी की गई है। आज भोपाल में अमृत मध्य प्रदेश के उन्वान से एक डांस ड्रामे का अहतमाम किया जाएगा। इधर प्रभात फेरी, सफाई सुथराई की मुहिम, 69 दियों को रोशन करना, शहरों की सजावट और रंगोली मुकाबलों का भी अहतमाम किया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। केरला आज अपना 69वां यौम तासीस मना रहा है, जिसे केरला पैरावी दिन के नाम से भी जाना जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। केरला रियासत साबिक सूबों मालाबार, कोचीन और तिरुवितनकूर को जम करके 1 नवंबर 1956 को तश्कील दी गई थी। पूरी दुनिया में केरला के लोग केरला पैरावी डे इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। रिवायती लिबास पहनते हैं और रियासत की मालामाल सकाफत और तारीख को सरबुलंद रखते हैं। मलयालम जबान की नशोनुमा के लिए 1 नवंबर मलयालम दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। पहला हफ्ता रियासत भर में मलयालम भाषा वरम के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आला पिनराई विजयन मलयालम दिन की रियासती सतह की तकरीबात और सरकारी जुबान के हफ्ते का आज सहपहर इफ्तिताह करेंगे। कचरे से पाक नव केरला मुहिम के हिस्से के तौर पर माहौल के लिए साजगार ग्रीन मॉडल के ऐलानात भी आज किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ब्राजील ने अरबों डॉलर की चीन की बेल्ट और रोड पहल में शामिल न होने का फैसला किया है। ब्रिक्स ग्रुप में भारत के बाद ब्राजील ऐसा दूसरा मुल्क है जिसने चीन के बड़े प्रोजेक्ट को मुस्तरद कर दिया है। बैन अल-अक़वामी उमूर से मुतालिक खसूसी सदारती मुशीर सेल्सो एमोरिम ने ब्राजील के एक अखबार से कहा कि बेल्ट और रोड पहल में शामिल होने की बजाय ब्राजील चीन के सरमायाकारों के साथ इश्तराक के मुतबादिल तौर तरीके तलाश करेगा। ब्राजील में इस तरह की राय जाहिर की जा रही है कि चीन के बुनियादी ढांचे के इस बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से मुख्तसर मुद्दत में ब्राजील के लिए कोई खास फायदा नहीं होगा और साथ ही मुमकिना ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात भी मजीद दुश्वार हो सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाकयात की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने दोबारा अमरीका का सदर मुंतखब होने पर भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने का अहद किया है। दिवाली पर अपने पैगाम में जनाब ट्रंप ने, जो सदर के ओहदे के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, दिवाली के मौके पर मुबारकबाद दी है और डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी हरीफ और नायब सदर कमला हैरिस, नीस सदर जो बाइडन पर अमरीका और दीगर मुल्कों में रहने वाले हिंदुओं को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो शिद्दत पसंद बाएं बाजू के मजहब मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ अमरीकी हिंदुओं का तहफ्फुज करेंगे और उनकी आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता महीने जनाब ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त और सबसे नफीस इंसान करार देकर उनकी तारीफ की थी।
امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارتی امریکی اہلکاروں اور اسٹاف ممبروں کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میں دیوالی منائی. اس پروگرام میں امریکی کانگریس کے ممبروں، اہلکاروں اور کارپوریٹ رہنماؤں سمیت 600 سے زیادہ سرکردہ بھارتی نژاد امریکیوں نے شرکت کی. جناب بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے بلو روم میں ایک دیا بھی روشن کیا اور جنوب ایشیائی امریکی برادری کی ستائش کی. امریکی صدر نے کہا کہ جنوبی ایشیا امریکی برادری نے امریکہ کی زندگی کے ہر حصے کو مالا مال کیا ہے. دیوالی تقریبات میں وائٹ ہاؤس ملٹری بینڈ نے اوم جے جگدیش ہرے کی دھن بجائی. نیشنل اسٹاک ایکسچینج اور بامبے اسٹاک ایکسچینج آج شام سالانہ دیوالی مہورت کاروبار کریں گے. نئے کیلنڈر سال سموت 2081 کے آغاز کے موقع پر یہ خصوصی کاروبار ہوگا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کاروبار شروع ہونے سے پہلے کا سیشن شام 5:45 شروع ہوگا اور 6 ختم ہو جائے گا. معمول کا مارکیٹ کاروبار شام 6 سے 7 کے درمیان ہوگا. بھارتی شیئر بازار دیوالی کے دن مہورت کاروبار کا اہتمام کرتے ہیں اور اکثر یہ تقریباً 1 کا ہوتا ہے. اسے سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے شبھ وقت مانا جاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکل، کیرلا، کرناٹک اور ماہے میں اگلے 2-3 کے دوران دور دور تک شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے ساحلی آندھرا پردیش، یانم، رائل سیما، تلنگانہ، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بھی آج تک ہلکی سے اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے دفتر کے مطابق شمال مغربی بھارت اور وسطی بھارت کے حصوں میں اگلے 2-3 کے دوران معمول کے درجہ حرارت سے زیادہ کا رجحان جاری رہنے کا امکان ہے. موسمیات کے دفتر نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ 3 تک رات اور صبح میں دلی این سی آر علاقے میں دھواں اور دھند اور ہلکا کوہرا چھائے رہنے کا امکان ہے. دلی این سی آر میں ہوا کی کوالٹی نہایت خراب زمرے میں ہے. آلودگی پر قابو پانے کے مرکزی بورڈ سی پی سی بی کے مطابق دلی میں ہوا کے معیار کا اشاریہ آج صبح 359 درج کیا گیا. دیوالی تقریبات اور پٹاخے چھوڑے جانے کی وجہ سے قومی راجدھانی دلی کے بہت سے علاقوں میں دھواں اور دھند کی ایک دبیس پر چھائی ہوئی ہے. سی پی سی بی کے اعداد و شمار کے مطابق شہر کے مختلف حصوں کا اے کیو آئی نہایت شدید زمرے کے قریب ہے. بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 کی سیریز کا آخری میچ آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے. یہ میچ اب سے کچھ دیر بعد 9:30 شروع ہوگا. نیوزی لینڈ کی ٹیم بینگلورو اور پونے میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچوں میں بھارت کو ہرا کر یہ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے. بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنی سرزمی پر مہمان ٹیم کو سیریز کے 3 جیتنے سے روکا جا سکے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد. شکریہ شبانہ. کل دیوالی کے تہوار کے موقع پر چھٹی ہونے کی وجہ سے آج اردو کے اخبارات شائع نہیں ہوئے، اس لیے ہندی اور انگریزی کے ای پیپر سے لی گئی کچھ خبریں پیش کی جا رہی ہیں. اخبار ہری بھومی لکھتا ہے، وزیر اعظم مودی نے جوانوں کے ساتھ کچھ میں منائی دیوالی، 7 کیا ایسا. نو بھارت ٹائمز کی شہ سرخی ہے، دیوالی پر دلی والوں نے جم کر کی آتش بازی، آب و ہوا خراب، سارے بین بے اثر. امر اجالا نے اس خبر کو کچھ اس طرح لکھا ہے، کس بات کی پابندی، دلی والوں نے جم کر کی آتش بازی، دیر رات تک خوب چھوڑے گئے پٹاخے، اب فضا ہوئی زہریلی. اخبار ٹریبیون کی ایک سرخی ہے، بھارت اور چین کے فوجیوں نے دیوالی کے موقع پر کئی سرحدی چوکیوں پر ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کی. ہندوستان کی ایک خبر ہے، ٹرمپ نے کہا کہ مودی کے ساتھ مضبوط ہوگی دوستی. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک ملک ایک سول کوڈ یعنی سیکولر سول کوڈ کی سمت بڑھ رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج احمد آباد میں کچرے اور فاضل مادے سے توانائی تیار کرنے کے گجرات کے سب سے بڑے پلانٹ کا افتتاح کریں گے. جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج نام واپس لینے کا آخری دن ہے. برازیل اربوں ڈالر کی چین کی بیلٹ اور روڈ پہل میں شامل نہیں ہوگا.
اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج اور بامبے اسٹاک ایکسچینج آج شام سالانہ دیوالی مہورت کاروبار کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔